हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ। मेरे लेफ्ट लेग में बहुत दर्द हो रहा है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम पहुँच गए हैं सेटेलाइट पहुँच गए। और भाई, मैं इस अपने टोपी को ना इतनी दुआएं देना चाहूँगा। इस टोपी ने मेरे को ज़िंदा रखा है। अगर काश ये नहीं होता तो मैं बरेली नहीं पहुँच पाता, क्योंकि जिस तरह की ठंडी हो रही है मैं बता नहीं सकता। मेरे दोनों पैर सुन रहे हैं, लेफ्ट लेग तो दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्यों कर रहा है ये भी नहीं पता। बट बेसिकली जब मैं पहले ट्रैवल करता तो होते रहता था, आगे तो मिल गया है ना भाई। सीधे जा रहे हैं घर। और भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ आप लोग घर में रहो, सेफ रहो। आगे छोड़ दो, दुर्गानगर मोड़ तक छोड़ देना यार। तो बस चलते हैं, देखो सॉल नहीं ऑर्डर रखी है, इसी वजह से भाई ठंडी इतनी ज़्यादा है और रात भर पैरों में ठंडी लगी बहुत। सही बात है। पहुंच गए और एक ऑटो से अभी हमें एक और ऑटो करना है, फिर हम घर के रास्ते पहुंचेंगे, फिर हम वहां से पदल जाएंगे। तो बस मेरा तो वैसे यही मन कर रहा है कि जल्दी से घर पहुंचे। A few minutes later. तो अभी हमें दूसरे टुक टुक वाले ने भी छोड़ दिया है, अब हम अपने पैरों से टुक 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 घर तक जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार बर्फ ना नैनीताल की जगह बरेली में गिरेगी। तो अभी घर पहुंचने के लिए 5 मिनट लगेंगे पैदल पैदल, तो घर पहुंचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों अभी हम घर पहुंच गए और मैं आते ही रजाई में घुस गया हूँ। मैंने अभी ये उतारा नहीं है, एक बार उतारा ना तो मेरे को ठंडी लगने लगी, फिर मैंने वापस से पहन लिया। अभी आराम से सब नॉर्मल नहीं हो जाता तब तो मैं कुछ नहीं उतार रहा और मैं जा रहा हूँ सोने। मुझे नहीं पता मैं कब उठूँगा सो के, उठेंगे 2-3 घंटे में, वो कोई पता नहीं है, नींद आए नहीं आए को देखते हैं कि क्या होता है। बाकी कोशिश करेंगे आराम करने की। तो अब लेटते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। 6.5 hours later. तो फाइनली मैं सो के उठ गया हूँ और अभी बज रहे हैं 12:30, मतलब 8:30 बजे के बाद। मैं ऐसा सोया कि मुझे खुद का होश नहीं था, कहाँ पड़ा था मैं फिलहाल। तो बस अभी मैं उठ गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ी शॉपिंग करके आऊँगा। अभी मैं स्वेटर लेके आऊँगा, मेरे पास स्वेटर नहीं है तो स्वेटर लेके आनी है। तो अभी यहाँ सेल चल रही है तो वहाँ जाते हैं, स्वेटर देखते हैं कोई अच्छी सी। भैया लेके आए हैं अभी एक, तो काफ़ी अच्छी लग रही है तो मैं भी जा रहा हूँ साथ में, तो अभी लेके आते हैं स्वेटर। तो अभी शॉपिंग हो गई है, यहाँ से लिए हमने अपने लिए स्वेट शर्ट ली है, इसके अंदर मैंने ले ली, मैं ले थी सस्ती 450 रुपये में, तो ले ली हमने। तो बस अभी जा रहे हैं घर। तो अभी ये वाली स्वेट शर्ट खरीद के लाए, अच्छी लग रही है। मेरे पास ना ऐसा कलर है नहीं, मतलब मम्मी सब ब्लैक या ब्लू या ऐसे ही रहता है, बट इस कलर की कोई सी नहीं। एक भैया ने ली है वो मैरून कलर, मतलब रेड टाइप जो होता है मैरून कलर वो है, और एक ये ले ली, अच्छी लग रही है तब ले ली मैंने, क्या दिक्कत है 450 में कहाँ मिलती है। तो बस और अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं कैबिन ख़त्म होने वाला है। बाकी देखते हैं शाम को अगर कहीं जाने का प्लान बनता है मॉल वगैरह तो जाऊँगा घूमने के लिए। और बाकी कपिल आ रहा है, वो घर गया था, उससे मिलेंगे। 2000 years later. अभी मैं सो के उठा हूँ भाई, बजे रात के 9 क्या हुआ था, मैं वहाँ से मार्केट से आया फिर मैं सो गया था। और उसके बाद मैं आप कहीं जाके उठा हूँ, अब खाना खाऊंगा और एडिटिंग करूँगा। और आज तो पूरे दिन मैंने सिर्फ आराम किया है, और वैसे भी 24 घंटे तो भागम भाग था, तो इसलिए बनता भी आराम करना, तो इसलिए मैंने आज आराम किया है, अब खाना खाता हूँ। A few moments later. अभी बज रहे हैं 12:00 और हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। एक मामा जी आए हुए हैं तो उनको जा रहे हैं हम लोग छोड़ने, कार से जाएंगे मैं, विक्की भैया और बंटी भैया। तो अभी दिन में सो लिया तो नींद भी नहीं आ रही, तो भैया बोले चलो चल रहे हैं, छोड़ के आते हैं भैया के लिए, मामा के लिए सॉरी, तो मामा को छोड़ के आते हैं। तो जल्दी से कार निकालते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये हमारी विक्की भैया ड्राइवर वैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ ज़्यादा, आज देखो ट्राई करके देखना चाहिए देख रहे कहाँ से गाड़ी निकलेगी, मतलब यहाँ से गाड़ी निकलेगी। मेरे तो ये देख सोच के तो, ओ भाई इसके अंदर कैसे करते हैं ये देखो, ये इतनी सी जगह है, अभी बाहर निकालेंगे, मेरे से नहीं होगी भाई, इतना बड़ा ड्राइवर नहीं बनाऊँगा अभी मैं।
पहुंच गए स्टेशन, मात्र 15 मिनट लगे कार से। भाई कार का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है, ऐसी ठंड में आप आओ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है जंक्शन, दिखा चुका हूँ पिछले ब्लॉग में ही आया था मॉर्निंग में। और बाकी उतनी लाइट नहीं चलती, अभी लाइट दिखाता हूँ। और ये खड़ी अपनी कार, सारी ट्रेन जिसको जिस ट्रेन से जाना है वो यहाँ देख सकता है आराम से। हमारी ये पद्मावत एक्सप्रेस, तो हम नहीं जा रहे मतलब जिससे मामा जी जा रहे हैं भाई। भैया को लग रही बहुत ज्यादा ठंड, ठंड ज्यादा लग रही है इसलिए जंप कर रहे हैं। ऐसे हर जगह थूका थाकी नहीं करते ना। अरे हाँ, आज भैया की एनिवर्सरी है, फिलहाल मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरा व्लॉग नहीं आ पाया, एक दिन फिर छूट गया क्योंकि मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। घर होता हूँ तो मैं रात को एडिट कर लेता हूँ, लेकिन घर पे मैं हो नहीं, तो उस वजह से मुझे लगा कि हो जाएगा, नहीं तो मैं आज घर चला जाता। भैया का लैपटॉप है उसमें हो नहीं रहा, तो बस तो फिलहाल कल ही निकल के एडिट होगा, एक दिन का गैप हो गया फिर से, सॉरी। मामा जी के लिए छोड़ दिया है और मामा जी की ट्रेन का टाइम हो गया, 5 मिनट में आ जाएगी, तो आगे जाके खड़े हो गए, तो बस निकलते हैं फिर यहाँ से। भाई ठंडी बढ़िया, अब जाके सोएंगे, बस फिर मिलते हैं आपके घर पर। आधा घंटा लगा तो मामा जी वहाँ वेट भी किया हमने, और मामा जी को छोड़ के हम आ गए। मामा जी का कॉल आया, वो बैठ गए। डे टू, गुड मॉर्निंग। तो अभी बताए बाकी 9:15 और मैं घर से निकल गया हूँ, मैं बैठ ही जा रहा हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट में जाना पड़ रहा है। तो फिलहाल तो अभी मैं निकल गया हूँ स्टेशन के लिए, और स्टेशन पहुँचने वाला हूँ, मात्र 5 मिनट लगे पहुँचने में। फिर मैं पेड़ ही पहुँच जाऊँगा, 10 बजे तक पेड़ ही पहुँच जाऊँगा, और मेरे जो काम है ना वो काम करना है। तो अभी हम स्टेशन तो पहुंच गए, और अभी ट्रेन आने में हमारे पास 20 मिनट हैं, तब तक वेट करते हैं। और वेड़ी से आने वाली ट्रेन आई है अभी, चलो वेट करते हैं। हम घर तो पहुंच गए, और घर आकर पता चला कि लाइट ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। और पहले भी लाइट परेशान कर रही थी, लेकिन अब क्या है, एक्चुअली मेन बैटरी भी खराब हो गई, बैटरा खराब हो गया है, और लाइट तो आई नहीं थी, घर में पूरा अंधेरा है। तो अब फ़ोन भी डाउन हो गया मेरा, से मात्र 10% है। अब देखता हूँ कहीं जाके फ़ोन चार्ज हो जाए। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ रोहित सर के पास, क्योंकि उनसे मेरे को कुछ बात करनी है बहुत ही अर्जेंटली, तो बस उनके पास निकलता हूँ, चार्जर भी ले जाता हूँ, वहीं उन्हें क्लिनिक में लगा दूँगा। ए फ्यू मिनट्स लेटर, अभी हम रोहित सर के पास पहुंच गए, और अब भी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आए हुए तो मेरे को 1.5 घंटा हो गया रोहित के पास, और मेरा फ़ोन डाउन था, तो इस वजह से ब्लॉग ही शूट नहीं किया। अभी फ़ोन चार्ज किया इधर रिसेप्शन पे, तो अभी जाके कहीं अब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ये रोहित सर देखो कितनी ठंडी लगी, दो दो स्वेटर टोपा भाई बाल देखे मेरे कैसे कर। हाँ यार तुम्हारी तरफ बहुत ठंड रहती है, बाकी बात बात हो गई है, तो बस अभी निकलने का समय हो गया है, और अभी टाइम भी हो गया है, अब तो मैं कल आऊँगा, आज तो आऊँगा नहीं, फिलहाल पहले घर निकलते हैं। तो अभी हम घर पहुंच गए, और खाना खा लिया मैंने, ठंडी बहुत हो रही है, ना है तो मैं हूँ नहीं, और ना फेस वॉश किया है। अब मैं क्लास जा रहा हूँ अभी स्टूडियो,
टाइम हो गया 4:30, तो अभी आशुतोष होंगे स्टूडियो पर, आशुतोष ने स्टूडियो खोला था तो वहाँ का जाके देखता हूँ। फिर उसके बाद वापस आने के बाद ना आज मैं लेके आऊँगा सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है छोटा वाला ना, और उसके ऊपर जो जाली लगती है इसके अंदर आग जलती है, तो मैं वो लेके आऊँ क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, मुझे रात को जगना होता है तो ना बहुत दिक्कत होती है, और वैसे मुझे ठंड लगी हुई है अभी, तो मैं लेके आऊँगा अभी अभी क्लास जा रहा हूँ, फिर वहाँ से वापस आने के बाद फिर जाता हूँ। A few moments later. तो अभी हम लोग आए हैं सिलेंडर में गैस जलाने के लिए। ये हमारा सदियों पुराना सिलेंडर जिसका पेंट तक उतर गया है, इसमें गैस डला रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि गैस डला रहा हूँ, और ये लगवाएंगे ये। A few moments later. दोस्तों हम आ गए घर, और हम गए थे सिलेंडर में गैस डलाने के लिए, तो वो तो हम डला लाए, और ये रहा सिलेंडर जो कि जल रहा है। और रूम में 2 घंटे आप जला लो, 2 से 3 घंटे, और तो ना रूम नॉर्मल हो जाता है, अगर ठंडा होता है रूम तो बढ़िया। लाल मेरे ना इस रूम में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, पता नहीं क्यों, और गर्मी भी बहुत लगती है, गर्मी में नॉर्मल रहता ही नहीं किसी भी सीज़न में। तो फिलहाल तो हो गया, और बाकी अभी बज रहे रात के 10, और हमने डिनर कर लिया, अब हमें करनी है एडिटिंग। और फिलहाल एक दिन ब्लॉग नहीं आया उसके लिए सॉरी, बाकी अब ब्लॉग डेली आया, डोंट वरी। तो बस आज के इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, हम मिलते हैं ऐसे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।